गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास सिंपल इंटरेस्ट जहाँ तक पढ़ाया गया था, मुझे लगता है कि आपको वहाँ तक समझ में आया होगा। ये मुझे उम्मीद है कि आपको वहाँ तक समझ में आया होगा। आज जितने टाइप का क्वेश्चन करा दिया गया था, उसमें से भी आज एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आज एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको लगा करके आंसर बताना है। इसका ही आंसर आपको बताना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 24,000 रुपए का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। यहां पे एक चीज थोड़ी सी नई है, अभी तक मैं जितना क्वेश्चन करवाया हूं उसमें किसी भी टाइम को, जो टाइम दिया गया था, जो ये वर्ष में 4 वर्ष 3 वर्ष में दिया गया था, कोई अभी माह में नहीं दिया गया था। ये क्वेश्चन जो आपको माह में दिया गया है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हो सकता है आप में से जो बच्चे नए हों उनको समस्या हो सकती है, जो नए हैं उनको समस्या हो सकती है, और जो पुराने हैं वो तो पहले से ही एक्सपर्ट हैं। तो कुछ 6 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का हल कीजिए। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जैसे आप पहले लगाए थे वैसे ही लगाना है। सिर्फ क्या करना है कि जो माह दिया गया है, जब माह दिया जाता है तो उसमें 12 से भाग दे दिया जाता है। किसमें, माह में 12 से आप भाग दे देंगे, सेम प्रोसेस जैसे पहले था वैसे ही हल हो जाएगा। अच्छा लो देख लो, इसमें देखियो, देख लो कितना की 24,000 रुपए है। क्या है 24,000 रुपए, ज्ञात क्या करना है, एस आई ज्ञात करना है। हाँ एक चीज और बता दूं आपको, एस आई ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला क्या लगाते थे, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो फार्मूला लगाते थे। लेकिन अब जब पी ज्ञात करना होगा, एस आई दे दिया गया होगा, आगे के प्रश्नों में होगा, तो मैं सोचा अभी आपको दे देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए और अगले इस जो ज्ञात करने के लिए, मूलधन ज्ञात करने के लिए आएगा, दर ज्ञात करने के लिए होगा, समय ज्ञात करने के लिए होगा, तब तक आप इस फार्मूले को याद कर सकेंगे। और याद होगा ही, याद क्या करना है, अभी देखो याद करने के लिए क्या है, एक चीज तो कॉमन है, 100 सभी में है। अब जहां पर पी ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसके बराबर में सभी को लिखना है। एसआई तो अब ज्ञात करना नहीं है, देखो एसआई तो ज्ञात करना नहीं है क्योंकि एसआई का फार्मूला ही क्या था, पी इंटू आर इंटू अपन 100, टोटल का क्या था, 100 था। तो एसआई तो ज्ञात ही नहीं करना है। अब एसआई दिया गया होगा, ऊपर फिक्स हो गया क्या, 100 इंटू एस आई। देखिए तीनों में कॉमन है, यह फिक्स हो गया। देखो याद नहीं करना, समझने का सिर्फ, क्या अगर पी ज्ञात करना है या टी ज्ञात करना है या आर ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, अगर इस सबको ज्ञात करना है ना, तब इस फार्मूले को आप कैसे याद रखोगे कि जो 100 है और यस आई है, 100 गुड़े साधारण ब्याज, जो ये कॉमन ही ऊपर रहेगा, नीचे ही चेंज होगा। नीचे चेंज क्या होगा, तीन ही तो है, पी इंटू आर इंटू टी, जो ज्ञात करना है वो तो सामने हो जाएगा बराबर में, जो बाकी बचे तो उसको बटे में कर देना। देखो जैसे यहां पर पी है, पी को, पी वाला फार्मूला मूलधन वाला याद करना है, ये तो हमको पता है कि 100 इंटू एस आई कॉमन है, ऊपर रहेगा, सभी में कॉमन है तो एस आई 100 इंटू एस आई ऊपर रहेगा, अंश के रूप में लिखा जाएगा। अब बटे में पी तो ज्ञात करना है, बचा क्या, आर इंटू टी बचा ना, हो गया। आर ज्ञात करना है तो आर हटा, आर के जगह पर पी को कर दो, पी के जगह पर आर को कर दो, याद हो गया सिंपल सा। वैसे तो टी है,
टी को उठा करके आर की जगह रखो, आर को उठा करके टी की जगह रख दो, बात खत्म। हो सकता है आपको याद हो गया हो, लेकिन देखो इस प्रश्न को देख लो, कोई भी फार्मूले को मिस नहीं करेगा। इसी ऐसे ही फार्मूलों पर आपके अभी कम से कम पांच से छह प्रकार, छह टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे, पांच से छह टाइप के क्वेश्चनों को बताया जाएगा। देखिए चलिए इस प्रश्न को सबसे पहले देख लीजिए। 9 माह के लिए है, तो जैसे आपको पहले बताया गया था, जैसे आपको पहले बताया गया था, यस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब रख लो मान पी बराबर कितना है, देखो पी बराबर कितना है 24,000, कितना है 24,000। आर बराबर कितना है, दर इसका कितना है 4%, कितना है 4%, और टाइम कितना है, टाइम है 9 माह, 9 मंथ। ठीक है, इतना हो गया, 9 मंथ है, बस फॉर्मूले पर रख लो। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास सिक्स से आप पढ़ते आए होंगे, क्लास सिक्स से आप पढ़ते आ रहे हैं। देखो अभी मैंने क्या आपको बताया कि अगर दिया गया जो समय है, दिया गया समय है यदि माह में हो, तो माह में यहां पर कहा है वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज चाहिए। वार्षिक साधारण ब्याज के लिए जो मंथ दिया गया होगा ना, 15 मंथ, 16 मंथ, 18 मंथ, 20 मंथ, एनीवे कोई भी मंथ दिया हो, जब वो मंथ दिया हो ना, तब आप उसमें 12 से भाग कर दीजिए। किसमें, मंथ में 12 से आप भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, कट गया, बचा क्या, 4 1 के 4, 4 3 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 4 3 12, 3 हो गया। अब 3 से आप इसमें भाग दे दीजिए, 3 3 का 3 3 जा 9, हो गया। अब यहां पे बचा क्या, 100 गुणे 1 गुणे 3, यही तो बचा है, 240, सॉरी 240 गुणे 1 गुणे 3 बचा है। तो यहां पर लिख लो 240, और 3 1 के 3 किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में एक से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो बहुत पहले ही वाली क्लास में पढ़ा दिया गया था, जब पहली क्लास लेते थे तो उसमें बता दिए थे, गुणा भाग जोड़ घटाना, करणी, दशमलव, एलसीएम, एलसीएफ, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, सिंप्लीफिकेशन, डिजिटल इकाई, ये सब तो पहले ही पढ़ा दिए थे। जिसको इन सब में किसी में समस्या होती तो पीछे वाली क्लास को जाकर के देख लेगा। ठीक है, देखो 240 हो गया, 240 और किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसको लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, जो बेकाम का उसे छोड़ दो। जिसको आने या जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको रखने से क्या फायदा, तो गुणा कर लो, 24 दिया कितना, 72, 24 दिया 72 यानी 72, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। देखो सिर्फ ये सिंपल से प्रश्न को कराने का उद्देश्य मेरा यही था कि अगर किसी क्वेश्चन में माह को दे देगा तब आप क्या करेंगे, महीने को दे देगा तब आप क्या करेंगे। जिसको महीने में दिए गए क्वेश्चन में दिक्कत होती थी, आज उसका भी समाधान हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,200 रुपये। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, 1,200 रुपये 2 साल 6 महीने में, जो 1,200 रुपये है वो 2 साल 6 महीने में 1,650 रुपये हो जाएगा, मतलब ऐसा ही दे दिया गया है। अभी मैं फार्मूला लिखा था, अभी फार्मूला लिखा था कि क्या ज्ञात करना है। देखो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से,
तो कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ज्ञात करना है इसको आप देखेंगे। तो क्या पूछा है? ब्याज की दर, ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज का फार्मूला क्या था? ब्याज बराबर, बोलो बोलो आप लोग बोलिए। हाँ देखो, जैसे अभी आप फार्मूला लिखे थे वैसे ही क्वेश्चन। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये 2 साल 6 महीने में 1650 रुपये हो जाएगा? तो 1200 रुपये है, ब्याज इसका कितना है? ब्याज बराबर कितना है? 1200 रुपये है, 1650 रुपये हो जाएगा। तो 1650 हो जाएगा, 1650 माइनस 1200 कितना? 1650 माइनस 1200। देखिए कह रहा है कि 1200 रुपये 2 साल 6 महीने में 1650 हो जाएगा। तो 1650 में, 1650 में जब माइनस कर देंगे 1200, तभी तो ब्याज बचेगा ना, जो ब्याज बनेगा तभी तो बचेगा। तो देखिए ना कितना होगा, तो 12 4 कितना? 16। तो 400 कितना हो गया? 50। 450 ब्याज बराबर कितना? ये कितना आ गया? 1650। तो यस आई कितना आ गया? 1650। अब आपको ज्ञात क्या करना है? वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, किस दर से, किस दर से इतना हो जाएगा? तो आर बराबर आपको लगाना है। तो आर का, आर बराबर दर, दर बराबर फार्मूला क्या था अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। तो बताया क्या गया था? बताया यही तो गया था ना कि जब जो ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, आर हो गया, और 100 × SI कॉमन है। 100 × SI क्या है? कॉमन है। बटे में जो, इन तीनों में से तीन कौन? P इंटू आर इंटू टी में से जो ना हो उसी को लिख लो। तो कौन? आर तो यहां है, तो P यहां हो गया, तो यहां पर क्या बचा है? सिर्फ टी, क्योंकि आर निकल करके यहां आ गया है, बचा क्या है? तो देखिए 100 × SI पर कितना आया है, ब्याज कितना आया है? 450। 450 बटे पी कितना है? 1200 रुपये, क्योंकि 1200 दर जो है, 1200 रुपये से ही इसी 1200 रुपये पर 2 साल 6 महीने का ब्याज 1650 हो रहा था। तो यहां पर कितना हो जाएगा? पी कितना है? 1200 गुणे टी, टाइम कितना है? देखो 2 साल 6 महीने, 6 महीने को आप लिख सकते हो 1/2। क्यों? 6 महीने के तो आप लिख सकते हो 1/2 ना, क्योंकि आधा होता है, आधा साल मान लो उसको, जो 6 महीने है उसे आधा साल मान लो, तो आधा तो 1/2 ही लिखा जाता है। ये ऐसे भी तो आप 2 साल 6 महीने को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 सही 1/2। क्यों, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहां पर इसको ये हो गया 250, 250 साल। अब 250 साल में जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ये मिश्र को साधारण में जब कन्वर्ट करेंगे, तो 2 × 2 = 4, 4 + 1 5/2, 2 × 2 = 4 = 1, 5, 5/2 कितना हो गया? 2। तो इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? टी के स्थान पर 5/2। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना? तो काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, 100 का मामला खत्म, 100 का मामला खत्म। अभी इधर इसको भी काट दो, 2 से 2 6 = 12। क्यों? इधर तो कोई सारे मामले सॉल्व होते जा रहे हैं, फिर 6 से काट दो, 6 से काट दो, डायरेक्ट 6 से काट के दिखा दे रहे हैं। 6 से आप काटेंगे कितनी बार जाएगा? अच्छा वो अभी बचा है 5, अभी 5 बचा है, अभी यहां 5 बचा है, 5 × 9 = 45, ये हो गया 90। 5 बचा था, 5 से 5 = 45 बचा, हो गया 90।
अनबे को आप काट दीजिए 6 से, 6 6 के 6 बचा कितना, बचा कितना, कितना बचा 3, बचा कितना 3, कितना हो गया बगल वाला 30, बगल वाला कितना हो गया 30, 6 पंचे 30, ये देखो आ गया इसका, ये देखो आ गया इसका कितना आ गया 15%, आंसर कितना आ गया 15%। किसी को कोई कहीं पर दिक्कत हो तो बताओ, किसी को भी कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। हो सकता है कि जो बच्चे प्रैक्टिस ना करते हों, जो ना कर रहे हों, उनके लिए ये थोड़ा सा जो सरल करना, काटना, भाग देना थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस प्रश्न को, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 7:5 हो जाएगा। अब यही चीज आपसे अनुपात में पूछ लिया है कि साधारण ब्याज और मूलधन, क्या साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या है, क्या है 5, देखिए 7:5 है, 7:5 कितना है, तो इसका मूलधन कितना, मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर कितना है 7:5 का। तो यहां पर अगर ये देखें कि इसका साधारण ब्याज कितना 7 और नहीं मूलधन 7 है ना, मूलधन 7, मूलधन कितना है 7, साधारण ब्याज कितना है 5, ये 7:5 का अंतर है। तो मूलधन 7 और अनुपाती 5। अब का प्रश्न क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, तो साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, तो फार्मूला लगाइए, फार्मूला को लगाइए, कितना बनेगा, क्या निकालना है, ब्याज की दर से क्या निकालना है, दर से, और दर बराबर कितना, अरे बताओ ना जी दर बराबर कितना, दर बराबर यही तो अभी आप पढ़ रहे थे 100 into SI अपान P into T, यही तो आप पढ़े ना अभी, R बराबर 100 into SI अपान P into T। तो यहां पर क्या हो जाएगा 100 into 5, SI कितना है 5, एसआई कितना है 5, और यहां पर टाइम कितना है 5 वर्ष, आई पी बराबर कितना है, पी बराबर कितना है 7, 7 × 5 हो गया 7 × 5। अब यहां पे आप इसको जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे पूरा गुणा भी कर सकते हो, ये गुणा करोगे तो कितना हो गया 500/7 = 35। अब इस तरह से आपको जब भाग करना होगा तो आप क्या करेंगे 35 के 35, बचा कितना 15, बचा कितना 15, और 35 चौका 140, 35 चौके कितना 140, बचा कितना 10, बचा कितना 10/35, कितना बचा 10/35, और यहां पर आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 × 10 = 35। फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, फाइनली आपका आंसर हो गया 14.2/7, ये आ गया आपका, ठीक है। जिसको इतना लंबा काटने में दिक्कत हो रही हो,
वो ऐसे भी काट सकता है, पांच से पांच को कैंसिल कर देगा, बचा क्या 100/7। तो सात एक के सात बचा कितना 30, 7 चौके 28 बचा कितना 2/7। ठीक है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हो, कोई धन किसी इंपॉर्टेंट क्या है, कोई धन, देखिए यहां पर कोई धन है क्या है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितना कोई धन है, धन पता नहीं है कितना है, कोई धन तो है, कोई तो धन है जो 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। जब हो जाता है तो क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है। ठीक है, ब्याज की दर आप जब बताएंगे, ये अगर गुना वाला, जब भी है गुना वाला दिया हो सवाल ना, जब भी है गुना वाला सवाल दिया हो तो ये फार्मूला लगा लेना, दर ही तो पूछेगा, तो ये इस फार्मूला के, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, दर बराबर यन माइनस वन, यन बराबर क्या है गुना के, गुना माइनस वन इंटू 100/T टाइम। ठीक है, अब एक चीज आपको अभी बता दें कि अगर देखिए कोई धन है, कोई धन है पता नहीं, पी मान लो धन कितना है, पी है, कोई मूलधन पी है, और वह कितना गुना हो जा रहा है 3P के, कितना गुना हो जा रहा है 3P का, अतः इसका कितना गुना प्लस हो रहा है, 2P तो बढ़ रहा है ना, इसका कितना हो जा रहा है 2P, क्यों किसे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 2P हो जा रहा है। अब देखो आप इसको कैसे लगाओगे, पहले तो जनरल हल कर लो, उसके बाद फार्मूले से हल करना, पहले सामान्य तरीके से इसको हल कर लो। तो क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर बताना है, दर का मतलब आर, आर बराबर क्या बताना है, आर बराबर बताइए क्या होता है, 100 × SI/P × T, यही तो है, क्यों यही तो है ना। अब इस पे जब आप मान को रखेंगे तो इस पे मान कितना कितना आप रखेंगे बताइए, इस पे मान आप कितना कितना रखेंगे, बोलो बोलो। देखो ये जो है 100 कितना 100 हो गया, और SI कितना है, अभी मैंने आपको बताया कि पी रहा होगा, मूलधन पी रहा होगा, और बढ़ा कितना 2P बढ़ करके ये 3P हो गया है, तो 3P हो गया है ना, 3P हो गया है, 3P को तो नहीं बताना है। तो जो ब्याज लगा है, ब्याज दो ब्याज लगा है, एक था दो ब्याज लगा, तो 3P हो गया। ठीक है, अब इसको रख लो, इसके SI के जगह पे कितना हो जाएगा 2P, कितना हो गया 2P, और था कितना, ये तो P ऑलरेडी था यहां पर दिया नहीं, तो T कितना है, T कितना है 8 वर्ष, T कितना है 8 वर्ष, और इसको आप काट दीजिए, P से P कैंसिल हो गया, क्यों समझ में आ रहा है ना, P से P कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 2 से काट दो 8 को, 2 चौके 8, 2 एक के 2, 2 चौके 8, अब 4 से 100 को काट दो 4 एक के 4, 4 25 सही 100, तो ये हो गया 25%। इसकी दर कितनी आ गई 25%, इसका हो गया आंसर। अब बताओ किसी को कोई समस्या हो तो बता दो, ऐसे सवालों को इतने ही आप आसानी से लगा सकते हो, लेकिन आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और मैं आपको इसी तरह से एक आसान से तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाता रहूंगा। ठीक है, अभी देखिए ये तो आपने जनरल विधि से देखा, जो आपके सामने फार्मूला रखा हुआ है उस फार्मूले से आप देखिए कैसे रखेंगे। मान लीजिए 3P 2P निकालने में आपको दिक्कत हो रही है, तब आप क्या करेंगे, R बराबर कितना लिखा हुआ है, N, N कितना, N गुना है, N क्या है गुना है, तो 3 − 1 × 100/T,
एट के हो गया। अब ये किसके बराबर हो गया, एट के, और ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा टू इंटू हंड्रेड अपॉन एट के। टू टू जा टू वन जा टू, टू फोर जा एट हो गया, दो चौके आठ और फोर फोर टू जा एट, रिमेंबर कितना बचा टू, टू फाइव टू ये हो गया ट्वेंटी, जीरो अभी शेष है तो कितना हो गया ट्वेंटी और फोर फाइव जा ट्वेंटी, चार दुनी आठ, चार दुनी आठ बचा कितना दो, जीरो ऑलरेडी था तो हो गया बीस, चार पंचे बीस, तो ये आ गया कितना आपका 25%। ये आपका आंसर हो गया कितना 25%। अब बता दो किसी को कोई समस्या हो तो बोलो, कोई समस्या हो तो बोलो, नहीं है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा चेंज है, इसमें यन दो बार है। देखिए कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो इसमें बता दिया कि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष में, मतलब टाइम दूसरी बार भी पूछा गया है, टाइम दूसरी बार भी पूछा गया है, तो जब इस तरह से पूछ लिया जाए टाइम दूसरी बार, तो आप उसी फार्मूले को टी बराबर निकालना है, तो कितना हो जाएगा टी टू, क्योंकि ये पहले टाइम दे दिया है, दूसरा टाइम ज्ञात करना है, तो टी टू बराबर कितना हो जाएगा यन टू माइनस वन इंटू पहली टाइम, ओके इंटू पहली टाइम बटे यन वन माइनस वन, ऐसे ही इसका फार्मूला बना दो, ऐसे ही इसका फार्मूला बना दो और क्वेश्चन को आसानी से लगा लो, फार्मूला बनाओ क्वेश्चन को आसानी से लगाओ। अरे देखो ना जी कितना सरल है, कितना सिंपल है, देखो जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे रख दो, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे रख दो। अब करना क्या है, n2, n2 कितना है, देखिए गुना ही तो n1 है, ये n1 है और दूसरी जगह पर ये है n2, गुना तो निकल आया, और t1 कितना है 8 वर्ष, ये निकल गया आपका t, तो हम लिख सकते हैं t बराबर 8, n1 बराबर 3, n2 बराबर कितना है 7, और t2 बराबर ज्ञात ही करना है, और ये फार्मूला में दो ही चीज तो है ना, तो इसे पर रखो ना जी, तो कितना है n2 कितना है 7 माइनस 1 गुणे कितना t1 कितना है 8, t1 कितना है 8 बटे n1 कितना है 3 माइनस 1, देखो ये t2 बराबर हो रहा है, सब t2 बराबर, t2 निकालने के लिए सब कुछ हो रहा है, तो यहां पे कितना हो गया 6 गुणे 8 बटे 2, कितना 6 गुणे 8 बटे 2, यही से आप काट दीजिए 2 एक के 2, 2 चौके 8, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 चौके 24, ये हो गया आंसर, 24 आ गया क्या इसका आंसर, ठीक है, कितने वर्ष में, तो 24 वर्ष भी नोट कर लीजिएगा यहां पे, 24 वर्ष में ये 7 गुना हो जाएगा, समय ज्ञात करना था, t2 निकल गया। अभी देखो ना जी अगर इसको भी आप ऐसे ना काट करके ऐसे भी अगर चाहो तो 8 छक्के 48 भी हो जाएगा, दो से भाग दोगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तब भी आएगा 24 वर्ष, चाहे जैसे आप करोगे आएगा 24 वर्ष ही, लेकिन सही से करोगे तब, गलत करोगे तब नहीं आएगा, ठीक है, आप चाहो कि गलत भी कर लें 24 आ जाए तो संभव है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखो ये प्रश्न है कितने प्रतिशत वार्षिक
साधारण ब्याज से कोई धन 25/16 गुना हो जाता है। कोई धन 25/16 गुना हो जाएगा जबकि ब्याज की दर और समय में संख्यात्मक मान आपस में समान हो। किसका किसका संख्यात्मक मान? ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान, तो समय या दर, ब्याज की दर या फिर समय। देखो, इस क्वेश्चन को डिटेल से करने से बेहतर है कि आप शॉर्ट में ही लगाइए, और आप शॉर्ट में ही लगाएंगे, मैं डिटेल बताऊंगा फिर भी, क्योंकि इतना तो टाइम होता नहीं है। सभी लोग शॉर्ट ही पढ़ने के लिए ढूंढते रहते हैं कौन सा क्वेश्चन इतनी आसानी से कराया जाए कि कुछ ही सेकंड में हल हो जाएगा। तो देखो, चलो छोड़ो ये सबको, देख लो, ये आपको जो पसंद है वो सीखो। ये प्रश्न जब इस तरह से है तो क्या कह दे, ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में समान हो। जब दर और समय हो, तो इस तरह से समय या दर निकालना हो, जब समय या दर को निकालना हो, तब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अब इसको आपको करनी में लिख लेना है। दो गुना है समय और दर। जैसे समय और दर अगर दोनों को k/k माना जाए तो ये k² हो जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए करनी लगाना पड़ेगा। इससे बेहतर है ना, इससे बेहतर है कि फार्मूले पर ही लगा लिया जाए। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, n-1। एक ही गुना दिया है, हमको एक ही n लिखने की जरूरत है। अगुने कितना, 100। कहा है कि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में समान हो। जब समान हो तब ऐसे तो लगाना है, एक ही n तो है तो एक ही n पे रख लो। तो कितना हो जाएगा, n कितना है, कर्ली में इसको कर लो, n कितना है, 25/16 -1 -100। ये कितना हो गया, 25/16 -1 × 100। हाँ देखो कितना हो गया, 16/25 -1। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 16 का एलसीएम लेंगे, 16 × 16, 16 में से 25 घटेगा, 9/16 × 100। करनी से बाहर करने के लिए क्या रूल होता है, करनी से बाहर करने के लिए रूल क्या होता है कि आप उसका वर्गमूल कर दीजिए। इसका 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3/16 का 4। ये 10 का 100 का कितना, 10 हो गया। अब 10 दिए कितना, 30/4। 30 बटे कितना हो गया, 4। अब आप इसे काट दीजिए, 4 सत्ते 4 सत्ते 28, बचा कितना, 2। बचा कितना, 4। 2 एक के 2, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया, 7 सही 1/2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, लेकिन है तो बहुत आसान। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो कुछ ही सेकंडों में आप ऐसे भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ठीक है,